आनंद शांति। जल्दीबाजी नहीं, शांति हो, शांति। हमारा हृदय कमल खिल रहा है। हम अक्षर ब्रह्म की उपासना में पावन हो रहे हैं। अक्षर पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा में हम पावन हो रहे हैं। मधुर शांति। श्री परमात्मने नमः। ओम शांति, ओम आनंद। जो पाप ताप भर लेते अपनी शांति मधुरता भर लेते हम उन्हीं की शरण में है। शरण का मतलब पैर पकड़ना नहीं है, उनमें शांत होना है। शिव जी कहते हैं ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है। बाहर का तीर्थ तो शरीर को नहलाता है, लेकिन ध्यान में तो साधक स्वयं परमात्मा तीर्थ में नहाता है। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। यज्ञ में तो जौ तिल गुगल शक्कर घी की आहुति होती, लेकिन ध्यान में तो अपने विकारों की शर के आकर्षण की आहुति होने लगती और अक्षर का आनंद उभरता है। नास्ति ध्यानम समम दानम, दान करने से धन की शुद्धि होती है, हृदय में औदारी सुख मिलता है, लेकिन ध्यान करने से हृदय में हृदयेश्वर की शांति और सुख प्रकट होता है।
तस्मात् ध्यानम समाचरेत। शिवजी पार्वती को कहते, कृष्ण अर्जुन को कहते, लीलाशाह साई मुझे कहते थे, मैं तुम्हें कहता हूँ। वही अमृत स्वरूप ईश्वर के अक्षर आनंद के ध्यान अभ्यास में अपने को लगाते जाओ। समय बीता जा रहा है, चीज बहुत ऊंची है, समय बहुत कम है, और संसार कुछ नहीं देगा। क्यों मजदूर बने, क्यों सताए जाएं, क्यों अपने को और अपने संबंधियों को सताएं? ये मिल जाए, ये दे दे, वो दे दे, आखिर क्या हो जाएगा? छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता वेद तो अंदर मार। नश्वर में होते हुए शाश्वत में आओ, अनित्य में होते हुए नित्य को पाओ। बस यही तुम्हारी बुद्धिमता है, बहादुरी। कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति, कौन किसका मित्र, कौन किसका साथी, सब क्षर को प्राप्त हो रहे, सब नाश की तरफ जा रहे, सारे संबंध मिटने की तरफ जा रहे। अमिट संबंध तो अक्षर के साथ है तुम्हारा, ईश्वर के साथ तुम्हारा सच्चा संबंध है, और समाज के साथ तुम्हारा काल्पनिक कच्चा संबंध है। ईश्वर से बढ़कर अगर किसी मित्र को, सगे को, संबंधी को महत्व दिया तो वहां से धोखा ही मिलेगा, पक्की। जो प्रेम परमात्मा को करना चाहिए वो प्रेम अगर किसी मित्र कुटुंबी में रुक गया तो वहां से धोखा मिलेगा। जो प्रीति ईश्वर को करना चाहिए वह प्रीति अगर धन को किया तो धन से परेशानी मिलेगी, सुख नहीं मिलता है। ईश्वर से प्रीति करो, फिर मित्रों से, धन से, सबसे सुख तुम्हारे इर्द गिर्द गिड़गिड़ाएगा कि तुम्हारी रहमत की नजर पड़ जाए। यह वह रहस्य बताया जा रहा है और वह प्रयोग किया जा रहा है। तुम शर के, नश्वर सुख के पीछे भागने की आदत को अब इस साधना के तलवार से उस जंजीरों को, उस जाल को काटो। अपने आप के स्वामी बनो, आप तो दीपो भावा, अपना गुरु, अपना स्वामी आप बनो, अपने उद्धारक आप बनो, अपने सुख के दाता आप बनो। कोई सुख देगा, इस बेवकूफी को त्याग दो। पुत्र सुख देंगे, पुत्रियां सुख देगी, बहुएं सुख देगी, वो दुखी होके मर गए बेचारे। सुख किसी के अधीन न रहे तुम्हारा, तुम्हारा अक्षर ईश्वर के साथ सीधा संबंध हो जाए। मंदिर वालों को मंदिर की पूजा सफाई करने दो, तुम तो हृदय मंदिर में आने का पावन प्रयास करो। फिर तुम्हारा मंदिर जाना भी मंदिर है, और जहां रहोगे वहां भी मंदिर है। हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त प्रभु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा।